दोस्तों आज मैं आपके लिए कुछ मजेदार पहेलियां लेकर आई हूँ, तो चलिए शुरू हो जाइए मेरी पहेलियों का जवाब देने के लिए। एक बार एक लड़का और एक डॉक्टर मछली पकड़ रहे थे। वो लड़का डॉक्टर का बेटा था, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर उस लड़के का फादर नहीं था। तो दोस्तों आपको बताना है कि वो डॉक्टर कौन था। आंसर देखने के लिए अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। क्या हुआ दोस्तों, सोचने लग गए? दिस इज वेरी सिंपल, वो डॉक्टर उस लड़के की मदर थी। चलिए अब एक और देखते हैं। मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के 6 बेटे हैं और हर लड़के की एक बहन है। तो आपको बताना है कि उस फैमिली में टोटल कितने लोग रहते हैं। चलिए शुरू हो जाइए आंसर देने के लिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। 6 बेटे हैं और हर बेटे की एक बहन है, तो बहन तो सबकी एक ही हुई ना, और दो पेरेंट्स हैं, तो टोटल उस फैमिली में 9 लोग रहते हैं। चलिए एक और देखते हैं। एक दिन एक मंकी, एक गिलहरी और एक पक्षी रेस लगा रहे थे कि कौन सबसे पहले कोकोनट ट्री पर पहुंचता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, किसको मिलेगा सबसे पहले बनाना? अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। किसी को भी नहीं मिलेगा बनाना, क्योंकि दोस्तों वो तो कोकोनट ट्री है। दोस्तों आपको पहेलियां अच्छी लग रही है तो लाइक भी साथ में करते जाएं। चलिए एक और देखते हैं। स्मिथ के पापा के 5 बेटे हैं। उनके नाम है 10, 20, 30, 40। तो दोस्तों आपको बताना है कि पांचवें बेटे का नाम क्या है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका आंसर देखते हैं। उसका नाम है स्मिथ। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ था कि स्मिथ के फादर, तो पांचवे बेटे का नाम हुआ स्मिथ। एक बार शाम को प्रिया पुलिस को कॉल करती है और बोलती है मेरी हस्बैंड मर गए हैं। यह सुनते ही पुलिस तुरंत प्रिया के पास उसके घर पहुंच जाते हैं और प्रिया से क्वेश्चन करने लगते हैं। फिर प्रिया बताती है कि रोहन को मोटापा बहुत बढ़ गया था, कल ही हम लोग डॉक्टर को दिखाने गए थे, तो डॉक्टर ने बोला था कि अगर रोहन ने वेट लूज नहीं किया तो उसे हार्ट प्रॉब्लम भी हो सकती है। मैं बहुत टेंशन में आ गई थी, फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं रोहन को डाइट पे रखूँगी। आज सुबह मैंने रोहन को ब्रेकफास्ट में उसकी फेवरेट कुकीज़ और कैंडीज़ को छोड़कर सिर्फ एप्पल के स्लाइसेस ही दिए। इस बात पर रोहन को बहुत गुस्सा आया और वो जोर जोर से चिल्लाने लग गया। इस बात पे मैं बहुत अपसेट हो गई थी और फिर रोहन को बिना बाय बोले मैं ऑफिस चली गई थी। फिर जब शाम को मैं घर वापस आई तो मैंने देखा कि रोहन नीचे लेटे हुए हैं और मरे हुए हैं। मुझे नहीं पता उनके साथ फिर क्या हुआ। प्रिया की पूरी बात सुनने के बाद पुलिस प्रिया की बातों पर विश्वास नहीं करते। क्यों दोस्तों, पुलिस मैन ने प्रिया की बात पर विश्वास क्यों नहीं किया? आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर ये एप्पल सुबह के कटे हुए हैं तो ये अब तक तो सड़ जाते, लेकिन ये अभी भी एकदम फ्रेश दिख रहे हैं, मतलब ये अभी काटे हैं। और प्रिया को ये पता है कि रोहन कैसे मरा है। प्रिया झूठ बोल रही है। आपको क्या लगता है दोस्तों, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों अगर आपको मेरी पहेली अच्छी लग रही है तो आप लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, और आगे और भी इंटरेस्टिंग पहेली आपको देखने को मिलेगी। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं।
अब आपको बताना है कि इस स्क्वायर में कितने ट्राइंगल्स हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका भी आंसर देखते हैं। काउंटिंग शुरू करते हैं। तो इसमें है टोटल 44 ट्राइंगल्स। दोस्तों आपका क्या आंसर था मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको मेरी पहेलियां अच्छी लग रही हैं तो लाइक भी करते जाएं। चलिए अब एक और देखते हैं। अब आपको इसमें दो सेम इमोजीज ढूंढनी है। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये देखिए ये रही वो दो सेम इमोजीज। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने एक कैरेक्टर है, आपको इसे ध्यान से देखना है और बताना है कि इसकी करेक्ट शेडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए इसकी करेक्ट शेडो ये बी वाली है। चलिए अब एक और देखते हैं। अब आपको बताना है कि इसकी करेक्ट शेडो कौन सी है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए इसका भी आंसर देखते हैं। ये देखिए इसकी करेक्ट शेडो ये डी वाली है। चलिए अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, आपको इन्हें ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों में कितने डिफरेंस हैं। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए इसमें टोटल 4 डिफरेंसेस हैं। पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। दोस्तों आपके सामने दो पिक्चर्स हैं, आपको इन दोनों को ध्यान से देखना है और बताना है कि इन दोनों पिक्चर्स में कितने डिफरेंसेस हैं। आंसर देखने से पहले आपका आंसर कमेंट करें। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों इसमें 3 डिफरेंसेस है। पहला ये कि लड़की की हेड पर फूल नहीं है, दूसरा इस लड़के के पास चश्मा नहीं है, और तीसरा यहाँ पत्ता नहीं है। चलिए दोस्तों अब अगली पहेली देखते हैं। दोस्तों आपके सामने अब एक पिक्चर है, आप देख सकते हैं कि इसमें मम्मी और उनके बच्चा साथ में है। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों माओं में से कौन सी माँ ज्यादा मूर्ख है। आंसर देखने से पहले अपना आंसर कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको 20 सेकंड का टाइम देती हूँ। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों ये दूसरी वाली माँ ज्यादा मूर्ख है। दोस्तों आपको क्या लगता है इन दोनों माओं में से कौन सी ज्यादा मूर्ख है, आप अपना आंसर भी कमेंट करें। तो दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी आज की पहेलियाँ मुझे कमेंट करें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू व्यूअर्स।